जल है तो जीवन है, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी प्रकृति की। इतिहास साक्षी है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जल के प्रमुख साधन नदियों के किनारे पनपी। इस प्रकार जल जीवन का आधार है। हम भले ही भोजन के बिना दिन गुजार लें, परंतु पानी के बिना गुजारा संभव नहीं है। जल के महत्व को सदा ही सब जगह माना गया है। प्राचीन समय में पाश्चात्य देशों में टब में नहाने की परंपरा रही है। भारत में भी ऐसी ही पद्धति के अंतर्गत कपड़ों के ऊपर बैठकर ऐसे स्थान पर नहाया जाता था जहां से नहाने के बाद पानी बहकर पेड़ पौधों में चला जाता था। गांव कस्बों में पानी की भी दो श्रेणियां बना रखी थी, पीने का पानी अलग तो नहाने धोने का अलग। इससे हमारे पूर्वजों द्वारा पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखने की सोच का पता चलता है। लेकिन पिछले समय में इन परंपरागत तरीकों को भुलाकर हमने पानी को महज पानी समझकर इसका भरपूर दोहन किया है। यही नहीं, बल्कि पानी का अनावश्यक उपयोग करके उसे यूं ही जाया किया जा रहा है। जिस प्रकार से उपलब्ध जल का दोहन किया जा रहा है, उससे इसकी तेजी से कमी महसूस होने लगी है। खासकर पिछले कई दशकों से प्रकृति के दोहन के कारण मौसम भी प्रभावित हुआ है। इसका प्रभाव पृथ्वी के संचित जल कोष पर भी पड़ा है। जानकारों का मानना है कि अब भी शेष बचे जल भंडार का उपयोग अनावश्यक रूप से जारी रहा तो आने वाले समय में लोग एक एक बूंद को तरसने लगेंगे। अतः अब हम सबको पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए गंभीर चिंतन करना चाहिए। प्रकृति द्वारा दिया गया जल सीमित है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि पानी के उपयोग के तरीकों को बदला जाए। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप अनावश्यक रूप से जल के अधिक प्रयोग को नियंत्रित करें। स्नान करने की शैली में बदलाव लाएं, जिससे अधिक पानी खर्च न हो। नलों एवं टोंटियों से पानी का रिसाव न होने दें। स्नान के पानी को बाग बगीचों में इस्तेमाल कर सिंचाई के काम में लिया जाए। ऐसे साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग न करें जिससे ज्यादा पानी खर्च होता हो। स्नान से बचे पानी से कपड़े धोने की आदत बनाएं। याद रखें, पानी अनमोल है, इसको बचाना आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है।